सुंदर पिता और सुंदर माता के सुंदर पुत्र जो सत्यम शिवम सुंदरम प्रत्यक्ष जिसके पिता हो, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, और जिसकी माता स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हो, जगत जननी या देवी सर्वभूतेषु, ऐसी देवी जो सभी भूतों में जो भी निर्माण हुआ, जो भी एग्जिस्ट हो रहा है, जिसका भी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द कॉस्मोस, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, मातृ रूपेण संस्थितः, द वन हु इज सिचुएटेड इन एवरी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज द मदरली एनर्जी, नमस्तस्य नमस्तुभ्यं नमो नमः। मदरली मातृत्व, क्योंकि ये जननी है, क्रिएटिविटी है, इसमें निर्मिति का सामर्थ्य है। और सत्य शिव सुंदर, क्योंकि ये कल्याणकारी है, इस ज्ञान स्वरूप है, तो जिसमें ज्ञान और शक्ति दोनों का समन्वय बराबर मापतौल से, वह गणेश कितना सुंदर होगा। यहां तो कहना पड़ेगा, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। उस जगत पिता शिवजी, उस जगन माता पार्वती जी पर जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जो प्रथमेश है, टॉप प्रायोरिटी, द चीफ एग्जीक्यूटिव, द मेन बॉस, गणाधीश, जो ईश सर्वान गुणांचा, मूलारंभ जो आरंभ निर्गुणांचा, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, सभी गुण जिससे आए, अथवा जो निर्गुण निराकार पद ब्रह्म है, वो भी जिसमें स्थित हो, तो जो सगुण मणु की निर्गुण रहे, दोनों जिसमें है, दोनों जिससे है, वो गणेश भगवान, ईश कहा इन्हें। इसमें शासन का हुआ, शास्ता है, शासक है, शासन करने का सामर्थ्य है, नियंत्रण करने की शक्ति है इसमें, लेकिन खाली शक्ति, खाली सामर्थ्य नहीं, हितकारी, कल्याणकारी ई है, ईश है। तो कल्याणकारी भी, हितकारक है और समर्थ भी है, ऐसा मेरा प्रभु गणपति भगवान।